वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत इजलास, महकमा सेहत में इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ मोहम्मद खान रांझा और दीगर अफसरान शरीक हुए हैं। इस पर बात करेंगे फारूक हमजा से। फारूक, कहिएगा इजलास इस वक्त जारी है, क्या सूरत हाल है? वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत जो है वो महकमा सेहत का इजलास हुआ है, जिसमें वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और महकमा सेहत के प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने शिरकत की है। इस इजलास में डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से जो है एजेंडा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि महकमा सेहत से मुतल्लिक चार नए कानून की तैयारी पर गौर किया जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ये भी कहना है कि पंजाब मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म एक्ट जो है वो तैयार किया जाएगा और थैलेसीमिया से बचाओ और सिक्योरिटी ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल बिल जो है उस पर भी गौर किया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि सिटी हेल्थ अथॉरिटीज को खुद मुख्तार बनाने के लिए पंजाब रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज एक्ट जो है वो मुतारफ करवाया जाएगा। इस मौका पर पांच जिला में माँ बच्चा अस्पतालों की जल्द तामीर पर भी गौर किया गया। ठीक है, शुक्रिया फारूक हमजा, अपडेट कर रहे थे।